एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? मैं जा रही हूँ आज पोहा बनाने के लिए सबसे आसान तरीका से। तो चलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप भी पोहा बनाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा सामान का ज़रूरत नहीं है, आप कम सामान में भी ज़्यादा टेस्टी पोहे बना सकते हैं खाने के लिए। तो मैं आज कम ही सामान को यूज़ करके पोहा बना रही हूँ और मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हम चलते हैं अब पोहा बनाने के लिए। हमारे वीडियो को देखते रहें अंत तक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और पोहा बनाने का तरीका कैसा लगता है आपको। पोहा बनाने के लिए मैं सबसे पहले प्याज को कट पीस कर रही हूँ। प्याज, टमाटर, हरा मिर्च ली हूँ, दो पैकेट मिक्सचर ली हूँ, कोई भी मिक्सचर यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं चीरा को धो रही हूँ, ज़्यादा चीरा को नहीं धोए नहीं तो उसमें ही गल जाएगा। बस मैं चीरा धो ली हूँ। अब मैं प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, मूली, हरा मिर्च सब कट पीस कर ली हूँ। कट पीस करके रखी हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। मैं अब गैस पे कढ़ाई को रख दी हूँ हाई फ्लेम पे, अब गर्म हो गया है। उसमें अपने उसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं और प्याज डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्याज हल्का ब्राउन करके उसमें टमाटर, हरा मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साथ में ही डाल रही हूँ। मैं साथ में ही सब डालकर फ्राई करूँगी, प्याज, टमाटर, हरा मिर्च। हाई फ्लेम पे ही गैस को रखें अगर आपसे कंट्रोल हो जाए तो, अगर कंट्रोल ना हो पाए तो लो फ्लेम पर करके फ्राई करें। हाई फ्लेम पर करने पे बार बार इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो नीचे से ये जलने लगेगा। अभी प्याज, टमाटर, हरा मिर्च में फ्राई कर रही हूँ। अभी पूरी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ है ये। इसको चलाते रहना है बार बार, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा, जलने लगेगा। अब ये फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम चूरा डालेंगे। चूरा डालकर अब इसमें हम फ्राई करेंगे। अब मैं चूरा डालने वाली हूँ इसमें। तब इसको मिक्स कर देना है, प्याज और जो हम फ्राई किए हैं उसको अच्छे तरह से चूरा में मिक्स करके इसको अब फ्राई करेंगे, चूरा को भूजेंगे। साइड साइड से थोड़ा हम तेल भी इसमें गिरा देंगे कि नीचे से जले नहीं, पकड़े नहीं। अब इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा तो पोहा का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर यूज कर रही हूँ। हल्दी पाउडर डालकर मैं इसमें थोड़ा इसको मिक्स कर दूंगी। मैं एक सच्चा मसाला नहीं यूज कर रही हूँ। अब इसमें नमक डाल रही हूँ मैं,
फिर नमक डालकर इसको मिक्स कर दूंगी। इसमें मिर्च पड़ रहा है, पाउडर वाला मिर्च डालिए, आप लोग भी यूज़ करिए। फिर पाउडर वाला मिर्च डालकर मैं इसको मिक्स कर दी। अब जीरा मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ, अब इसको भी डालकर मैं मिक्स कर दूँगी। जैसे मैं सब मसाला यूज़ की हूँ ऐसे भी थोड़ा सा आप गरम मसाला यूज कर सकते हैं। अब सब मसाला इसमें डालकर आप इसको फ्राई करते रहिए। अब इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा तो जल जाएगा पोहा। लो फ्लेम पर ही बनाए तो अच्छा रहेगा, जलने का उतना डर नहीं रहता है। अब इसमें मैं धनिया पत्ता यूज कर रही हूँ, अभी ही धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको फिर से। अब मैं मिक्सचर यूज़ की हूँ, आप कोई सा भी मिक्सचर यूज कर सकते हैं। इसमें मिक्सचर यूज करके इसमें बहुत अच्छे तरीक़ों से मिक्स कर लीजिए मिक्सचर को भी। अब इसको फ्राई करते रहिए 5-10 मिनट तक। हमारा बनकर अब रेडी हो गया है। कितना टेस्टी दिख रहा है पोहा, कितना आसान तरीका से मैं पोहा बनाई हूँ तभी कितना टेस्टी दिख रहा है। इसमें मैं ज़्यादा सामान यूज़ नहीं की हूँ, पोहा रेडी हो गया अब। तो फाइनली आज मैं पोहा बना ली। मेरा पोहा बनाने का तरीका आप लोग का कैसा लगा और कितना टेस्टी दिख रहा है मेरा पोहा, खाने में भी टेस्टी है, ज़रूर बताएं कि आप लोग को कैसा लगा पोहा बनाने का तरीका और वीडियो मेरा कैसा लगा। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।